आशुतोष भैया, भूमिहार ब्राह्मण समाज के लखीसराय में दौड़ा दौड़ा कर छठ पूजा के खरना के दिन 6 लोगों ब्राह्मण परिवार को गोली मार दिया गया था। और उस टाइम बीजेपी सरकार में नहीं थी, विजय सिन्हा जी वहां के स्थानीय विधायक हैं, और वो कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे, हम सरकार में दूर हैं। वो बेचारी रो रो कर कह रही थी कि आज सभी नेता, जिसमें आप भी गए थे, कुछ आर्थिक सहयोग भी किए थे जितना आप सबों से बन पाया था, तो वहां कह रही थी कि आज जितने भी नेताजी हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, कल तक हमें कोई पूछने नहीं आएंगे कि मेरा घर का राशन कैसे चलेगा, आपके मेरे घर में नमक है या नहीं। तो कई महीने बीत जाने के बाद सचमुच में ऐसा समय आ गया कि उस परिवार का हालात तो बहुत खराब है, कोई पूछने जाते नहीं है। स्थानीय विधायक अब सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं विजय सिन्हा जी, और उस परिवार से मिलने तक नहीं गए हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए, जब लोग सत्ता से बाहर होते हैं, हम नेताओं की बात कर रहे हैं, सोशल वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेता हैं, वो तो सत्ता से जब बाहर होते हैं ना तो बहुत वादा करते हैं। हमको सत्ता में आने दीजिए, हम ये कर देंगे, हमको सत्ता में आने दीजिए, हम ये पूरा इनको न्याय दिलवा देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो सत्ता का नशा ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, और भूल क्या जाते हैं, उनको याद भी दिलाइएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, चूंकि अब तो सवाल उन पर होगा। तो ये सवाल देखिए, ये केवल विजय सिन्हा जी का नहीं है, लगभग नेताओं का है। बहुत ही गिने चुने ऐसे बिरले पैदा होते हैं नेता, जो चुनाव से पहले या सत्ता में आने से पहले वादा करें और सत्ता में आने के बाद उस वादा को पूरा करें, ऐसे बहुत बिरले पैदा होते हैं। और ये अब आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है। उस परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, हम लोग उतने सक्षम नहीं है, हम लोग, आप कोई छुपा हुआ नहीं है, आपके जितने दर्शक हैं वो लोग भी जानते हैं, सांसद विधायक भी नहीं है ना, हमारा कॉलेज है ना, पेट्रोल पंप है ना, गैस एजेंसी है, और ना ठेकेदारी करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से जितना बन पाया उतना हम लोग किए, जितना संभव था उतना हम लोग मदद किए। और चूंकि एक व्यक्ति की बात तो है नहीं, हर रोज कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी न किसी के सहयोग में खड़ा रहना होता है, जितना बन पाता है करते हैं। और अब हम यदि वादा करते हैं कि हम, हमारे समर्थन से किसी की सरकार बनती है या कोई सरकार में आता है तो हम लोग उनको न्याय दिला देंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी, ढाक के तीन पात वाली। इसलिए हम लोग कमिटमेंट नहीं करते हैं, वादा नहीं करते हैं। हाँ, यदि उस लायक बिहार की जनता, हमारे लोगों को, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ में, उनको यदि उस लायक बनाती है, पावर देती, तो जरूर ये प्रयास होगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उस परिवार से कभी कोई नेता दोबारा मिलने का प्रयास नहीं किया? हालात बहुत खराब है, और क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा उस परिवार को? अब न्याय क्या मिलना है, अब न्याय नहीं मिलेगा, चूंकि देखिए, एक आशीष चौधरी की अरेस्टिंग हुई, उसके अलावा जो बड़ा मोहरा था जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, वहां का कोई नगर परिषद अध्यक्ष है या क्या है, वो तो अभी तक बाहर घूम रहा है, और सारा मामला अब रफा दफा भी हो गया। रफा दफा का मतलब है कि मामला बिल्कुल दब गया, उसके बाद कई मामले आए, सरकार पलट गई, कई तरह के मामले उथल पुथल हो गई सरकार, तो अब तो सब कुछ तितर बितर हो गया। क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि भाजपा लाश पे राजनीति करते, वहां भी राजनीति की रोटी सेक करके निकल गई है? केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, चूंकि भाजपा के बारे में बात करूंगा तो लोग फिर एक पक्षीय देखने लगते हैं, और ये समझते हैं कि राजनीतिक दलें, खास करके जिनका मकसद केवल कुर्सी पाना होता है, वो लाश की राजनीति करती हैं, पहले से करती आई हैं, आगे भी करती रहेंगी। जैसा कि आप सुन रहे थे आशुतोष भैया से कि लखीसराय में परना के दिन जो 6 ब्राह्मणों को गोली मार दिया गया था, आज तक न्याय उस परिवार को नहीं मिला। विजय कुमार सिन्हा जी स्थानीय विधायक हैं, कह रहे थे जब हम सरकार में आएंगे तो एक एक अपराधी को पकड़ के सजा दिलवाएंगे, बचेगा नहीं, हम वादा करके जाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, चाहे जितने तरह के प्रयास किया जाए हम करेंगे और अपराधी को सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ आप सब जानते हैं, और अगर आशुतोष भैया का विचार कैसा लगा और आगे इस पर क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।